नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। देख रहे हैं आज का मैं अपने किचन गार्डनिंग में अपने बगिया में स्प्रे करने जा रहा हूँ सागारिका का। ये सागारिका लिक्विड है और ये स्टिकर है, मैं दिखा देता हूँ। ये स्टिकर है। ये क्या करता है स्टिकर, कि जो भी स्प्रे आप करते हैं तो पत्तियों के ऊपर उसको फैला देता है। ये केमिकल नहीं होता। और ये नीरज जेल, ये देखिए नीरज जेल, इसको मैं 1 लीटर पानी में 10 ml का इस्तेमाल होता है, मगर मैं इसको 15 लीटर वाली टंकी में, ये देखिए ये मेरी 15 लीटर की टंकी है, इससे आज मैं स्प्रे करूंगा अपने पूरे बगीचे में। और ये जो डब्बा रखा हुआ है 5 लीटर का, इसमें मैंने ओरिजिनल वेस्ट डी कंपोजर OWDC का कल्चर भर रखा है। और ये 1 लीटर OWDC का कल्चर है, वेस्ट डी कंपोजर, इसी में मैं लगभग 50-60 ग्राम इसके अंदर डालूंगा। देखिए मैं डाल रहा हूँ। और ये जेल फॉर्म में होता है नीरज जेल, ये देखिए लगभग आइडिया से मैं 50-60 ग्राम डाल दूंगा इसमें नीरज जेल। ये मैंने डाल दिया क्योंकि मैं बड़ा पंप इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बाद में इसको मैं ढक्कन लगाकर ऐसे ही रख दूंगा। देखिए मैं अपने बगिया में जो भी चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सब शेयर करूँ। अब इसके बाद ये जेल फॉर्म में, तो इसको मैं हाथ से ही खोल लूँगा। ऐसे मैं इसको हाथ से ही चला दूँगा। और थोड़ा इसमें बेस डिकम्पोजर ज़्यादा है इसलिए मैं इसके अंदर डाल देता हूँ थोड़ा सा। जो हाथ डाल रहा हूँ तो वो ऊपर आ रहा है, ये देखिए इस तरह से मैं हाथ से ही इसको, जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर नीम की निमोली और एक पिपली एक पौधा होता है उसके फलों के तेल से ये बनता है। और ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको घोल लिया, ये अच्छी तरह से घुल गया, बिल्कुल इसके अंदर कुछ रहना नहीं चाहिए। ये देखिए इसके अंदर तेल होता है इसलिए ये देखिए मेरे हाथों में तेल लग गया। और मैं इस पूरे को इसके अंदर डाल दूँगा। देखिए इसमें एक छन्नी भी लगी हुई है, ये देखिए ये पूरा नीरज जल इसी के अंदर मैं डाल दूँगा। ये देखिए इसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगा स्टिकर, ये देखिए स्टिकर है, इसके अंदर मैं स्टिकर डालूँगा। हाथ में थोड़ा सा तेल लग गया है, इसके हाथ से कर दिया मैंने, इसलिए कोई बात नहीं, ये सब ऑर्गेनिक है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें स्टिकर डालूँगा, ये देखिए बस इतना सा लगभग इसमें स्टिकर डाल देना है, इसको भी बंद कर देना है। अब मैं इसके अंदर लिक्विड सागारिका, ये जो सागारिका है हमारी लिक्विड सागारिका, इसको हिला लीजिए पहले अच्छी तरह से हिलाना है। हिलाने के बाद मैं इस टंकी में इसके अंदर खोल लेता हूँ, जरा तेल लग गया थोड़ा सा। खुल गया, मैं आपको जो भी मैं काम करूँगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। किचन गार्डनिंग में जो भी मैं काम करूँगा वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। और ये 1 एकड़ के लिए होता है, ये जो नीरज जेल है ये 1 एकड़ के लिए होता है। और मैं इसमें लगभग 50-60 ml मिला दूंगा। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर 50-60 ml मिला दिया। और इसको भी बंद कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूंगा अपना वेस्ट डिकम्पोजर, ये देखिए मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भर रखा है, ये डालूंगा वेस्ट डिकम्पोजर।
इसके बाद इस पूरी पंप को मैं पानी से भरूंगा। लगभग 5 लीटर मैंने इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डाला, नीरज जल जार डाला, स्टिकर डाला और डाला सागारिका लिक्विड। अब मैं इसको पूरा पंप को पानी से भर के स्प्रे करता हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको सब में स्प्रे करके दिखाता हूँ। कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में, पूरे में आपको स्प्रे करता हूँ। सब में, बैगन में है, ये मेरा हरसिंगार का पौधा है, ये देखिए। इस तरह से आपको पूरी बगिया में आपको स्प्रे करना है। ये नींबू का पेड़ है, देखिए। इस बार लगभग 28 जून के बाद कल 15 तारीख को मेरे यहाँ बारिश केवल 15-20 मिनट के लिए हुई। मेरे कानपुर में बारिश नहीं हो रही है। बड़ा दुख है इस बार कि मैं अपने पौधों को उतना हरा भरा नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से विपरीत दिशा में अगर स्प्रे करेंगे तो आपके ऊपर नहीं आएगा। देखिए हवा से विपरीत दिशा में स्प्रे करना। ये मेरा अमरूद का पौधा है और देखिए एक ही साथ मैंने लगाया था, और इसका ग्रोथ देखिए और इसकी ग्रोथ देखिए। इस तरह से मैं सारे पौधों में अपने स्प्रे करूँगा, नहला देना है एकदम। मैंने आपको इस तरह से ये दिखाया, ये जानकारी दी। भिंडी के अंदर छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा बहुत सा लगता है, उसको ध्यान देना है, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से मेरे यहाँ